नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोदी शाह, शिवराज, नरोत्तम और भाजपा संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को अपने विंध्य दौरे की शुरुआत की। सतना में इशारों में ही सिंधिया पर भी प्रहार किया और भाजपा के मॉडल को भ्रष्टाचार को पालने बढ़ाने वाला कहा। उन्होंने कहा, भाजपा का लक्ष्य सिर्फ नहीं सिर्फ सत्ता है। भाजपा व्यवसाय के लिए सत्ता चाहती है, जबकि संघ हर चीज का केंद्रीकरण करना चाहता है। संघ लोकतंत्र का विरोधी है। दिग्विजय बोले, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को यह तो दिख जाता है कि दीपिका पादुकोण ने पठान फिल्म में किस रंग के कपड़े पहने थे, लेकिन हनुमान जी के सामने फोर डांस नहीं दिखता, क्योंकि वहां मंच पर उनकी पार्टी के लोग बैठे थे। उन्हें यह भी नहीं दिखता कि सतना में सर्किट हाउस के सामने गोली मारकर 22 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं, उसके लिए चोरी की बाइक का इस्तेमाल होता है, जिसकी चोरी की रिपोर्ट भी तीन दिन पहले नहीं लिखी गई थी। प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की 100% वापसी का दावा करते हुए सिंह ने कहा, पिछली बार किसे पता था सिंधिया जी बिक जाएंगे, इस बार हम बिकाऊ नहीं टिकाऊ माल को जीता कर लाएंगे। प्रत्याशियों से चयन में नए पुराने चेहरे के सवाल पर बोले, उनका काम जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद करना है। प्रत्याशी कौन होगा ये पार्टी तय करेगी, वे अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को देंगे। 5 महीने भारत जोड़ो यात्रा में रहे, अब फिर हम घूमने निकल पड़े हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के असर का जिक्र करते हुए दिग्विजय ने कहा, उससे बड़ा फर्क पड़ा है, इसलिए संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी मदरसे जाना पड़ा है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।